नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कोई शेयर बोनस अनाउंस करता है तो आपको वो शेयर बाय करना चाहिए या नहीं। कंप्लीट रूप से इसके फंडामेंटल और टेक्निकल को जानेंगे कि कब बोनस शेयर के अनाउंसमेंट के कारण आपको शेयर बाय करना चाहिए, क्योंकि बोनस शेयर के अनाउंसमेंट से शेयर प्राइस में काफी तेज मूवमेंटअप देखने मिलता है, जो कि आपको इस शेयर में भी देखने मिलेगा। देखिए, ये है क्रांति इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है, रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड माइनस है, हर चीज माइनस है, लेकिन इस स्टॉक में तेज देखिए। 1 वीक में ये यहाँ पर था स्टॉक लगभग 20 रुपीज से ये हाई लगा चुका है 38 रुपीज का, मात्र 1 वीक में बोनस अनाउंसमेंट के कारण। अब जिन्होंने भी शुरू में ही बोनस अनाउंसमेंट को देख लिया, वो अगर वो 20 रुपीज पे इसमें इन्वेस्ट किया, उन्हें तो अभी लगभग 100% का रिटर्न मिल गया। अगर यहाँ पर देखते ना, गिरावट भी इसमें हुआ था, लगभग 19 रुपीज पे भी ये स्टॉक आया था, 18 रुपीज पे जो बाय किया होगा उनका 100% से ज्यादा का रिटर्न हो रहा होगा, क्योंकि 38 रुपीज का ये हाई लगा चुका है। बोनस जो अनाउंसमेंट होता है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है उस स्टॉक में, क्योंकि कंपनी जो है रिजर्व को यूज करेगा, उस रिजर्व को अपने ग्रोथ में यूज करेगा, तो जिसके कारण शेयर होल्डर में एक पॉजिटिव मतलब न्यूज जाता है कि कंपनी बोनस दे रही है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब जिस रेशियो में बोनस दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि आपको उसी कंपनी के बोनस शेयर के कारण अगर तेजी आता है न्यूज के कारण, जिसमें ग्रोथ आके दिख रहा हो, क्योंकि अगर यहाँ पर बोनस शेयर देता है कंपनी एक्स डेट के बाद, इसमें मतलब प्राइस तो इसका आ जाएगा नीचे, जिस रेशियो में बोनस ये कंपनी दे रहेगा उस रेशियो की भी हम बात करेंगे किस रेशियो में बोनस दे रहा। उसके बाद हो सकता है ये लोअर सर्किट के साथ ही नीचे चलता चला जाए, तो फिर आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि कंपनी के देखिए फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, निगेटिव में है, -0.68%। इसे प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा खासा है, 74.2%। देखिए अर्निंग पर शेयर माइनस में है, डेट टू इक्विटी देखिए 1.26, डेट टू इक्विटी 1 से अधिक हो तो वो काफ़ी निगेटिव साइन माना जाता है। ऐसे भी कंपनी का प्रॉफिट भी माइनस है, कंपनी का रिजर्व भी मात्र 10 करोड़ है, जबकि डेट 24 करोड़ है, तो ये काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें हैं इस कंपनी के साथ। अब देखिए बैलेंस शीट पर चलते हैं, तो कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो डेट है वो भी बढ़ा है। देखिए 2019 में मात्र 20 करोड़ था और अब 24 हो गया, फिर 24 से यहाँ पर 2021 तक 24 करोड़ है, तो डेट कंपनी के ऊपर बढ़ते जा रहा है, जबकि कंपनी का शेयर कैपिटल भी यहाँ पर बढ़ रहा है। और प्रॉफिट की बात करें, कंपनी देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है, देखिए इस बार इस साल थोड़ा सा लॉस डिक्रीज हुआ है, इस कारण भी मान सकते हैं पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। 2020 में ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में था देखते हैं, जबकि 2019 में कंपनी प्रॉफिट में था, तो कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है अभी, लेकिन शेयर प्राइस में काफ़ी तेज मूवमेंटअप देखने मिल रहा है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंपनी जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की जो जरूरत होती है उसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। अब देखिए, कभी भी बोनस शेयर के न्यूज़ के कारण सिर्फ आपको बाय नहीं करना चाहिए, हाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा बनता है। आप यहाँ पर बाय किए, आपको यहाँ पर 100% तक का गेन मिल गया, 50% मिल गया, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं एक्स डेट से पहले। जैसे एक्स डेट कल है तो आज आप निकल सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि जब बोनस शेयर का न्यूज आए तो आप उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें स्टॉक में काफ़ी तेजी होती है। लेकिन कोई अच्छे स्टॉक होते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो, जैसे आरती इंडस्ट्री भी बोनस शेयर दे रहा है आपको, जय भारत मारुति भी दे रहा है, उसी साथ साथ एल्काइल एमिन्स भी पहले स्टॉक स्प्लिट किया, इन सब शेयरों में अगर स्टॉक स्प्लिट बोनस के कारण आपको तेजी देखने मिलता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गिरावट आपको कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। वहाँ गिरावट कब होगा, जैसे आरती इंडस्ट्री एल्काइल एमिन्स में, जब केमिकल सेक्टर जो है वो परफॉर्म करना बंद कर दे, तब आपको वहाँ पर गिरावट देखने मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।